मणिपुर हिंसा को लेकर लोकसभा में विपक्षी सांसदों के जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। मणिपुर पर लोकसभा में क्या बोले अमित शाह, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। मणिपुर बवाल के मुद्दे को लेकर सोमवार 24 जुलाई को भी संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दिया। सदन में चर्चा के लिए तैयार हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि हम इस पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है, पता नहीं विपक्ष क्यों इस पर चर्चा नहीं चाहता। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष को अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे पर चर्चा होने दे, ये महत्वपूर्ण है कि देश को इस संवेदनशील मामले पर सच्चाई पता चले। बाद में हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। संसद में मानसून सत्र दौरान सोमवार को राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने जोरदार नारेबाजी की। विपक्ष के विरोध के दौरान राज्यसभा सभापति ने आप सांसद संजय सिंह को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा था कि हम संसद में चर्चा के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने कुरुक्षेत्र छिंदवाड़ा में 5 से 7 अगस्त तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन करवाने जा रहे हैं। पहली बार इस तरह के आयोजन भाजपा नेता कराते आ रहे हैं। एमपी में चुनावी साल में कांग्रेस का हिंदुत्व कार्ड की खेलेगी राजनीति, क्या कमलनाथ करवाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री की कथा, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। मध्य प्रदेश के साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी साल में नेता लगातार कथावाचकों में बड़े बड़े आयोजन करवा रहे हैं और अब इस लिस्ट में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ का नाम भी जुड़ गया है। कमलनाथ अपने कुरुक्षेत्र छिंदवाड़ा में 5 से 7 अगस्त तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन करवाने जा रहे हैं। छिंदवाड़ा में सिमरिया में इसके लिए करीब 25 एकड़ जमीन को किराए पर ले लिया गया है। सिमरिया में ही कमलनाथ ने 108 फीट ऊंची हनुमान भगवान की मूर्ति बनवाई, जिसके साथ एक मंदिर भी बनवाया है। इसी मंदिर के पास रामकथा का आयोजन होगा। छिंदवाड़ा की मारुति नंदन सेवा समिति के संयोजक आनंद बख्शी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री की कथा की तैयारियों में लग गए हैं। अब तक बीजेपी से जुड़े नेता धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री की कथा करवा रहे थे, लेकिन यह पहली बार है कि अब कांग्रेस का कोई बड़ा नेता धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री की कथा का आयोजन करवा रहा हो। इससे पहले शिवराज के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और हरदीप सिंह डंग धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री की कथा करवा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। एफओ खाते पर मिलने वाली ब्याज दरों में बढ़ोतरी के ऐलान से संबंधित सर्कुलर 24 जुलाई को जारी किया गया है। क्या है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बोर्ड की तरफ से खुशखबर, देखते रिपोर्ट में। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ खाते के लिए ब्याज दर 8.15% घोषित की है। इससे पहले ये 8.10% था। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भविष्य निधि योगदान के लिए ब्याज दर में बढ़ोतरी को नोटिफाई कर दिया है। ईपीएफओ खाते पर मिलने वाली ब्याज दरों में बढ़ोतरी के ऐलान से संबंधित सर्कुलर 24 जुलाई सोमवार को जारी किया गया है। गौरतलब है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ अकाउंट पर 8.15% की ब्याज दर तय की थी और मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा था। जानकारी के मुताबिक खाते में ब्याज का पैसा अगस्त 2023 तक पहुंचने लगेगा। किसी कर्मचारी के सैलरी पर 12% की कटौती ईपीएफ अकाउंट के लिए होती है। एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय की सैलरी में की गई कटौती का 8.33% ईपीएस में, जबकि 3.67%
68% ईपीएफ में पहुंचता है। देश भर में करीब 6.5 करोड़ ईपीएफओ सब्सक्राइबर है। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफओ ने ईपीएफ अकाउंट के लिए ब्याज दर 8.10% निर्धारित की थी। यह करीब 40 साल की सबसे कम ब्याज दर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। बारिश से होने वाले परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग ने अहमदाबाद सहित सौराष्ट्र, दक्षिण और मध्य गुजरात में बारिश की चेतावनी जारी की है। महाराष्ट्र के कई शहरों के लिए भी बारिश का अलर्ट है। आइए रूबरू होते हैं उन शहरों से और इलाकों से जो आसमानी आफत से लड़ रहे हैं। देखते हैं मानसून रिपोर्ट। बारिश के बाद बाढ़ ने देश के कई राज्यों में हालत बिगाड़ ली है। स्थिति यह है कि कुछ शहरों में बीच बाजार तूफानी नदी की शक्ल में बाढ़ का पानी बहता दिखा। कई जगह लोग बह गए तो कोई जगह पर गाड़ियां पानी में खिलौनों की तरह तैर रही थी। पहाड़ दरक रहे हैं तो मैदानी इलाकों में नदियों ने रौद्र रूप अपना रखा है। मौसम विभाग ने अहमदाबाद सहित सौराष्ट्र, दक्षिण और मध्य गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यहां कई इलाकों के लिए रेड तो कई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के कई शहरों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में कुल्लू से शिमला तक कई दिनों से बाढ़ और लैंडस्लाइड ने कहर बरपा रखा है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, हर जगह आसमान से आफत बरस रही है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर में आमतौर पर बारिश कम होती है, लेकिन इन दिनों यहां इतनी बारिश हो रही है कि जिंदगी आफत में है। गुजरात के कई शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति है। यहां गाड़िया से लेकर भैंस तक पानी में बहती नजर आई। जूनागढ़ शहर में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहां 4 लोग डूब गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 5 दिन पहले हुई लैंडस्लाइड के बाद अब तक 27 लोगों के शव मिल चुके हैं। 5 दिन बीतने के कारण अब लापता 57 लोगों को भी मृत मानकर चला जा रहा है। क्या अभी भी बढ़ सकता है मृत लोगों को आंक, देखते रिपोर्ट में। मुंबई से सटे रायगढ़ के एक दुर्गम पहाड़ी पर स्थित इरशालवाड़ी गांव लैंडस्लाइड के बाद अब तक 27 शव बरामद किए जा चुके हैं। हादसे के बाद से लापता 57 लोगों को भी मृत मान लिया गया है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 85 हो गई है। इशालगढ़ गांव पर 19 जुलाई की रात करीब 11 बजे पहाड़ टूटकर गिरा और पूरा गांव लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया था। इसके बाद यहां लगातार 5 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल बचाव कर्मियों ने बताया था कि ऊपर हालात बेहद विषम है। लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ी पर मलबे का ढेर है और उस मलबे को कहां हटाया जाए इसको लेकर बचाव कर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। साथ ही लगातार हो रही बारिश के चलते भी पहाड़ी पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला पाना मुश्किल हो रहा है। इरशालवाड़ी गांव में करीब 46 घर थे जिनमें से 48 परिवार रहते थे। मलबा हटने के बाद अब तक यहाँ से 27 शव बरामद हो चुके हैं। 57 लोगों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है जिन्हें अब मृत माना जा रहा है। सीएम एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। पोलैंड में एक महिला का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि वो पोलैंड छोड़कर झारखंड पहुंच गई। अपने बेटे को साथ लेकर साथ वहां अपने प्यार को पाने के लिए भारत आ गई। 7 समुद्र पार की क्या है अजब प्रेम की गजब कहानी, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। पाकिस्तान की सीमा और उत्तर प्रदेश के सचिन की प्रेम कहानी अभी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। वहीं अब हजारीबाग में भी पोलैंड की युवती और झारखंड के युवक की प्रेम कहानी इन दिनों चर्चा में है। दोनों जल्दी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दरअसल प्रेमिका बारबरा पोलाक 7 समंदर पार यूरोपियन देश पोलैंड की रहने वाली है। वहीं प्रेमी युवक शादाब आलम कटकमसांडी ब्लॉक के छड़वा डैम स्थित बर्तुआ गाँव का रहने वाला है। इनकी जान पहचान सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर साल 2021 में हुई थी। इन दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि प्रेमिका अपने देश पोलैंड को छोड़कर अपनी 6 साल की बच्ची अनन्या के साथ बर्तुआ गांव आ पहुंची। फिलहाल बारबरा पोलक बर्तुआ गांव में ही अपने प्रेमी के साथ रह रही है। आने वाले कुछ दिनों में दोनों की शादी हो जाएगी। बारबरा पोलक ने कहा कि मैं जब हजारीबाग पहुंची, साथ ही कहा कि वहां मेरा खुद का घर कार है, वहां मेरे पास सब कुछ है और नौकरी भी है। मैं तो पोलैंड की हूँ, सिर्फ इंडिया आई हूँ शादाब आलम के लिए। मैं शादाब से मिलकर काफी खुश हूँ। हम लोग बहुत जल्द एक दूजे के होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। ये आकाशवाणी है। आज भले ही इन 3 शब्दों का कोई खास महत्व नहीं,
कोई मायने नहीं रहते, लेकिन एक जमाना था जब तीन शब्दों की इस व्याख्या पर सुनने के लिए लोग अपनी दिनचर्या तक तय कर देते थे। यह आकाशवाणी है, रेडियो को याद करने का दिन है, पर क्यों? आकाशवाणी पर खास रिपोर्ट अंदर की बात में। ये आकाशवाणी है, आज भले ही इन तीन शब्दों का कोई खास महत्व नहीं, कोई मायने नहीं रहे, लेकिन एक जमाना था जब तीन शब्दों के इस वाक्य को सुनने के लिए लोग अपनी दिनचर्या तय किया करते थे। ये शब्द ही लोगों को बताते थे कि अब तक देश और दुनिया में क्या घटा है। 23 जुलाई को रेडियो इसलिए याद किया जाता है क्योंकि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे है। रेडियो का हमारे जीवन में कैसा और कितना दखल रहा है, इसे याद दिलाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। चलिए रेडियो की दुनिया में झांकते हैं। वो सन 1927 के जुलाई माह की 23 तारीख थी जब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी अस्तित्व में आई। वैसे रेडियो की शुरुआत ब्रिटिश राज में जून 1923 में शुरू हो चुकी थी, जब देश में बॉम्बे के रेडियो क्लब ने पहली बार प्रसारण की शुरुआत की थी। इसके 5 महीने बाद कलकत्ता रेडियो क्लब की स्थापना हुई। बाद में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी सामने आई। फिर इस दिन की याद में 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाने की शुरुआत हुई। बताते चले कि रेडियो का आविष्कार गुग्लिमो मार्कोनी ने किया था। वह 19वीं-20वीं सदी का एक इतालवी आविष्कारक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस।